बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी एक रिसेंटली बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी होपफुल न्यूज़ आई कि स्टेम सेल थेरेपी से एड्स का इलाज किया गया और पेशेंट जो है वो 18 महीने हो गए हैं, उसमें कोई भी एड्स का वायरस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस पे डिस्कशन हुई और बड़ी खुशी जो है उसका इजहार किया गया। इवन जो मुख्तलिफ मुल्कों के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया कि इस तरह से, क्योंकि एड्स जो है एक बहुत बड़ा मसला रहा है हिस्ट्री में और अब भी है, क्योंकि अब भी इसकी ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो ये एक ट्रीटमेंट अगर सामने आई है, दैट वाज ए ग्रेट न्यूज़। अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि क्या वाकई जो है इससे एड्स का इलाज किया गया है और इसमें क्या होप है कि पाकिस्तान के मरीज़ों का इससे इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पेशेंट ट्रीट किया गया, इससे पहले भी एक पेशेंट ट्रीट किया गया था जिसे बर्लन पेशेंट कहा जाता था, जो इससे तकरीबन 12 साल पहले ट्रीट किया गया। अभी जो पेशेंट ट्रीट किया गया है वो लंदन में ट्रीट किया गया है, जिसे लंदन पेशेंट कहा जाता है, जिसको HIV फ्री किया गया। इन दोनों की ट्रीटमेंट जो की गई वो स्टेम सेल थेरेपी से की गई, और इसमें ख़ास बात ये थी कि दोनों जो पेशेंट थे उन्हें एड्स के अलावा कैंसर का मर्ज़ भी था, उन्हें ब्लड कैंसर था। तो दोनों पेशेंट्स को जो है वो स्टेम सेल किसी डोनर के जब मैच किए गए, जब उनमें ट्रांसप्लांट किए गए, तो कुछ अरसे बाद देखा गया कि जब वो सेल्स मज़ीद प्रोलीफ्रेट हुए, यानी उनका नंबर बढ़ा, तो उन पेशेंट में वायरस का लोड कम होना शुरू हो गया और अल्टीमेटली उनमें वायरस का लोड जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। इट मीन्स के इस तरीके से उनके जो डिज़ीज़ थी उसको क्योर किया गया, उसको बिल्कुल वायरसेस जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए। अब ये किस तरह से होता है, इन दोनों पेशेंट्स में हुआ ये कि जो पेशेंट था उसमें जो सेल्स दिए गए, उसमें जिस डोनर से लिए गए उसमें जो प्रोटीन थी, यानी जो रिसेप्टर जिसके साथ वायरस बाइंड होता है, CCR5 जो प्रोटीन थी, उसमें म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से एक नेचुरल रेजिस्टेंस मौजूद थी, यानी जो नए सेल्स बने उसमें वायरस उसको इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता था, और इससे जो नंबर है उसका कम होता गया और अल्टीमेटली वो नंबर ख़त्म हो गया। तो इसमें ख़ास बात यह है, और जो ट्रीटमेंट की सक्सेस थी उसमें यह था कि जो भी डोनर यूज़ किए गए उसमें RID जो प्रोटीन थी वो म्यूटेटेड थी, कि उसमें वायरस ही नहीं एंटर हो सकता था। ये एक जनरलाइज थेरेपी नहीं हो सकती, यानी सारे पेशेंट्स के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, और सिर्फ उन पेशेंट पे ही यूज़ किया गया जिनमें ब्लड कैंसर था, और उसमें जब ये सेल लगाए गए और उससे उसको ट्रीट किया गया। अब यहाँ पर होप क्या है, होप इसमें यह है कि अगर जितनी भी एडवांसमेंट होगी है जीन थेरेपी की सूरत में, स्टेम सेल थेरेपी की सूरत में, और जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन जहाँ पे मौजूद हैं, तो अब इस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरह से हम इसी मैकानिज़म को यूज़ करते हुए, यानी उसमें अगर रेजिस्टेंस प्रोटीन्स थी तो हम क्या जो है वो रेजिस्टेंस स्टेम सेल निकाल के उसमें वही म्यूटेशन करके अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो क्या इसे ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो टेक्निकली इसका जवाब हाँ है, यानी हम अगर म्यूटेशन कर देते हैं और इसमें ऑल्ट्रेशन कर देते हैं उस प्रोटीन में इसी तरह से जिस तरह से वो नेचुरल ऑल्ट्रेशन मौजूद थी, तो हम रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं और मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट बड़े होपफुल हैं कि ये हमारे सामने एक सक्सेस स्टोरी है, उन दोनों केसेस को सामने रखते हुए मज़ीद इस पर रिसर्च बड़ी तेज़ी से हो रही है, और बहुत ज़्यादा होप है कि ये मैकेनिज्म जिस तरह से उन्होंने अंडरस्टैंड किया, इसी तरह से जीन थेरेपी की मदद से, स्टेम सेल थेरेपी की मदद से जो पेशेंट हैं, जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक जो है वो ट्रीट किया जा सकेगा। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या इससे अलावा किसी भी साइंटिफिक मैकेनिज्म पे, या साइंटिफिक डिस्कवरी पे, या किसी तरह से साइंस से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करें। थैंक यू वेरी मच।